नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपका पार्टनर आपको टाइम ना दे, जब आपकी गर्लफ्रेंड, जब आपका बॉयफ्रेंड आपको टाइम ना दे, एक्सक्यूजेस बनाए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये है वो है, काम है, ऑफिस का काम है, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और आप अपनी ओर से रिक्वेस्ट करते हो, आप अपनी ओर से बेगिंग करना स्टार्ट करते हो, यार थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो, तुम्हारे पास दोस्तों के लिए टाइम है, तुम्हारे पास अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए टाइम है, तुम्हारे पास अपने काम के लिए टाइम है, बस तुम्हारे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है, तो प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो ना, प्लीज़ निकाल लिया करो, मैं भीख मांगती हूँ टाइम की, मैं पैर पड़ती हूँ तुम्हारे, थोड़ा सा टाइम प्लीज़ निकाल लिया करो मेरे लिए यार प्लीज़, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर ऐसी बहुत सारी लाइंस अगर आपके मुंह से निकलती हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। एक कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को, नो वन इज़ टू बिजी, कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं है कि वो आपको टाइम ना दे पाए। इट इज जस्ट अबाउट दी प्रायोरिटी, कि आप उनकी लाइफ में, उनकी प्रायोरिटी वाली लिस्ट में कौन से नंबर पे आते हो। अगर आप 10वें, 12वें, 15वें, 20वें नंबर पे आते हो तो जाहिर सी बात है कि ना तो वहां से आपको टाइम मिलेगा, ना ही वहां से वैल्यू मिलेगी, ना ही वहां से इंपॉर्टेंस मिलेगी, वहां से ना तो कोई अहमियत मिलेगी आपको। आप चाहे कितना भी चिल्लाओ, आप चाहे कितना भी रो, आप चाहे कितनी भीख मांगो, आप चाहे कितना गिड़गिड़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो कि एसेंस है एक रिलेशनशिप के लिए, एक लाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। हो सकता है सच में उसके पास टाइम ना हो, हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि आप में उतनी काबिलियत नहीं हो, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं कि यार आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो आज, जस्ट आस्क योरसेल्फ अ सिंगल क्वेश्चन, व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हो, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, खुद से पूछना स्टार्ट करो कि इस रिलेशनशिप से मेरा क्या सोल पर्पज़ है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, मैं कितना टाइम मेरे को चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले इंसान की जॉब है, उसका बिजनेस है, उसका काम है बहुत सारा, और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मांग रहे हो मेरे को तो 10 घंटा चाहिए, मेरे को 15 घंटे चाहिए, मेरे को 12 घंटे चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं, राइट। आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए कि वो दिन भर आपसे ही चिपका नहीं रहे, उसके पास भी उसके बहुत सारे काम हैं, उसका अपना बिजनेस है, उसका अपना जॉब है, राइट, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट कि स्पेसिफिकली मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी है, राइट। वहाँ से आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। अब देखो क्या होता है, अब एक इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उसका काम है, उसका जॉब है, उसका बिजनेस है, ठीक है। वो इंसान यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ पे हो। अब जब आप यहाँ पे हो, आपका कुछ काम नहीं है, आप वेल्ले हो, तो आपको क्या लगेगा, अरे वो तो टाइम ही नहीं दे रहा है, उसके पास बहुत काम है, अच्छा एक यही है काम करने वाला, और दुनिया में बस और कोई नहीं है, समझ रहे हो आप। तो अपने आप को यहाँ पे लेके आओ। सबसे पहले यहाँ पे लाने के लिए क्या, थोड़ा सा खुद को भी बिजी करना स्टार्ट करो। अगर आप एकदम वेल्ले हो, कोई काम धाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस टाइम पास करना है, ये करना है, वो करना है, तो थोड़ा सा खुद को बिजी करें आप, थोड़ा सा खुद को प्रोडक्टिव करें। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये हैं वो हैं, कोर्सेस हैं सीखने के लिए, है कुकिंग के लिए, है पढ़ने के लिए, है लिखने के लिए, है ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे काम हैं जो जिसमें खुद को आप इंडल्ज कर सकते हो, जिसमें खुद को आप बिजी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो सबसे पहले जो सामने वाले इंसान का लेवल है उस लेवल पे आ जाओ, ठीक है। वहाँ पे आ गए आप, वहीं पे चीज़ें अपने आप आपको दिखेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड होने लगी हैं, उसको भी आपकी वैल्यू रियलाइज़ होने लगी कि अरे यार ही इज़ ऑल्सो वर्किंग हार्ड, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग हार्ड, तो मेरे को भी अपना टाइम देना चाहिए, आई शुड डेफिनेटली मेक टाइम फॉर दिस पर्सन, तब जाके रियलाइज़ होगा उसको। तो थोड़ा सा पहले खुद को बिजी करें, फिर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार कितना डिफ़िकल्ट होता है टाइम निकालना। अगर आपका सामने वाला जो इंसान है आपके लिए वो आधा घंटा दे रहा है, एक घंटा दे रहा है, डेढ़ घंटे दे रहा है, दो घंटे दे रहा है, उतना टाइम जो है ना काफ़ी है।
अगर वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है, हमेशा वो एक्सक्यूजेस बनाता है, अगर आपके रिलेशनशिप में बस ये वाली चीज़ें होती हैं, सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट, बस ये, और वो भी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट सिंपल, तो फिर समझ लो कि फिर कुछ देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस प्रॉब्लम है फिर आपके रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर बस यही चीज़ है तो इतना यार, इतना कोई भी इतना बिजी नहीं है कि वो आपके लिए 10 मिनट ना निकाल सके, आपके लिए 15 मिनट ना निकाल सके। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं तो सामने वाला इंसान आपके लिए टाइम निकालेगा। अगर आप उसके लिए वैल्यूएबल हो, अगर आपकी वैल्यू है, अगर आपकी इंपॉर्टेंस है, तो आपके लिए वो टाइम निकालेगा। आपके लिए वो कहीं से भी टाइम निकाल सकता है। हम जैसे कोई इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, इंपॉर्टेंट हमारे काम होते हैं, हम कैसे टाइम निकालते हैं? हम चाहे हमारा शेड्यूल जो है कितना भी बिजी हो, मेरा शेड्यूल चाहे कितना भी बिजी हो, अगर लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को आज अपने दोस्त को कॉल करना है, तो मैं कैसे भी टाइम 1 घंटे कट ऑफ करके इधर उधर करके मैं क्या करूँगा, उसको कॉल करूँगा, मेरे को बात करनी है। क्यों? मेरे को पता है कि यार वो इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई फैमिली मेम्बर है, मेरे को अपने मम्मी से बात करनी है, तो बात करनी है चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ। समझ रहे हो आप? तो वो वाली चीज़ें होती हैं। अगर सामने वाला इंसान आपके लिए है इम्पॉर्टेंट, तो आप टाइम निकालोगे ही निकालोगे मेरे दोस्त। और ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं, तो फिर आप समझो, कुछ टाइम के लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि उसने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ वैसी चीज़ें हैं, उसकी नई नई जॉब लगी है, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़े से टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ एक महीनों के लिए ऐसा हो सकता है। बट अगर ये चीज़ कॉन्स्टेंटली चल रही है, कॉन्स्टेंटली आपको बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं रहा है, बस वही सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट, बस यही वाली चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो फिर आप समझ जाओ कि फिर ना नहीं, और इतनी डिपेंडेंसी रखना भी सही नहीं है आपके लिए। क्या? तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो अपने आप को इस लेवल पे लेके आओ, फिर देखो फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार बस वो आधा घंटा भी देते तो काफ़ी है, अब आधा घंटा भी नहीं दे रहा है, 1 मिनट भी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो फिर एक बारी उससे टॉक थ्रू करो साफ साफ ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि यार क्या करना है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला है, और ऐसे चलेगा भी नहीं, और ऐसे चलेगा तो फिर चलेगा भी नहीं, राइट? अगर ऐसे चलता भी है तो हमारी गाड़ी चल नहीं रही है, बस हमारी गाड़ी हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं अपनी गाड़ी को कि चलो चलो चलो, छुक 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 छुक, बस ऐसा ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा है तो एक बार आप साफ साफ बात करें, टॉक थ्रू बात करें, कम्युनिकेशन इज़ द की, सो उनसे आप साफ साफ बात करें कि क्या करना है, वहाँ से एक म्यूचुअल डिसीजन लें। उतने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है, आपने सारी चीज़ें अगर आपने अपने अपना के देख ली, सब कुछ आपने करके देख लिया, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू बेटर नो कि आपको कैसे वहाँ से निकलना है, आपको क्या करना है। या तो आप अल्टीमेटली भी यही परेशान हो जाओ कि यार मेरे को टाइम दे दिया करो ना, प्लीज़ टाइम दे दिया करो, मैं तुम्हारे हाथ पढ़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पढ़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ टाइम दे दिया करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, टाइम निकाल लिया करो मेरे लिए प्लीज़, थोड़ा सा टाइम तो निकाल लिया करो ना, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, राइट? ऐसे ही करोगे क्या? थोड़ा सा टाइम तो निकाल दो, राइट? ऐसे या तो ऐसे करते रहो आप, ऐसे करते करते ज़िंदगी गुजार दो, जो कि बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं, या फिर वहाँ से आप एक डिसीजन लो, वहाँ से आप एक इनिशिएटिव लो, वहाँ से आप एक स्टेप लो कि हाँ ये मेरा स्टेप है, ये मेरा अपना डिसीजन है। और किसी के सामने, दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम दो। आप अगर इम्पॉर्टेंट होगे, वहीं से पता चल जाता है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इम्पॉर्टेंस है। कुछ टाइम के लिए आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर ये कॉन्स्टेंट सी चीज़ है, एकदम यही है कि टाइम नहीं 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 नहीं, तो फिर वहाँ से आप कह दो नहीं 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 नहीं, मेरे को अब निकलना है यहाँ से, ठीक है मेरे दोस्त। अदरवाइज़ आप खुद परेशान हो जाएंगे, आप खुद फेडअप हो जाएंगे, आप फिर आप खुद कंप्लेन करेंगे, यार मेरे को तो फिर ये रिलेशनशिप नहीं जम रहा, यार मेरे को तो फिर आगे ही बढ़ना चाहिए था, मेरे को बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था, राइट? या आप खुद से ऐसे बातें करना स्टार्ट करोगे, फेडअप हो जाओगे, हर्ट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, देन इससे अच्छा बेटर है यू शुड नो व्हेन एंड हाउ टू वॉक अवे फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है मेरे दोस्त। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, तो पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।